आई एवरीबी वेलकम टू अभिमन्यू आई एस इंडियाज़ बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू पी एस सी एंड स्टेट सिविल सर्विस एग्जामीशन मेरा नाम है मनिंदर एंड आई एम पंजाब पी सी एस रैंक थर्टी सिक्स एंड ऑलसो अ सीनियर फैकल्टी एट अभिमन्यू आई ए एस ये जो सीरीज़ है इसका नाम है कॉन्सेप्ट इन जनरल स्टडीज़ सीरीज़ एंड स्पेशली हम टॉपिक एनवायरमेंट में से ले रहे हैं आई एम वन ऑफ़ द सीरियर फैकल्टी एट अभिमन्यू आई एस फॉर एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी अभिमन्यू आई ए एस ने पिछले ट्वेंटी थ्री ईयर से मोर दैन टू थाउजेंड से ज़्यादा सिलेक्शन्स दी हैं और इंक्लूडिंग टॉपर्स इन वेरियस examinations और अभी मैं यू आई एस इज़ आल्सो ब्रिंग द न्यू कोर्सेज फॉर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एंड ट्वेंटी फोर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेकआउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड उसमें जो लिंक दिया है उसके ऊपर आप कनेक्ट हमारे साथ कर सकते हैं तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं विद सेशन कॉन्सेप्ट इन जनरल स्टडीज और टुडे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे हम एनर्जी फ्लो एंड इकोलॉजिकल पिरामिड्स के ऊपर तो देखिए जैसे आपको पता है कि नेचर के अंदर आ, बेसिकली क्या होता है आ, जो हमारा नेचर है उसके अंदर आ, एक ऑर्गेनिज़म दूसरे ऑर्गेनिज़म को कंज्यूम करता है लेकिन वही ऑर्गेनिज़म को कोई और भी ऑर्गेनिज़म कंज्यूम कर लेता है मतलब ऐसे लगा लो कि यू आर प्रॉब्बली द लंच फॉर समबडी एंड यू हैव लंच ऑफ साम्बडी तो एवरी बडी कंज्यूम्स एवरी बडी और ये जो कंजम्पशन होती है ये पूरी की पूरी जो है एनर्जी फ़्लो होता है फ्रॉम वन स्पीशीज़ टू अनदर स्पीशीज़ फ़ॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की तो प्लांट्स जो तो ओरिजिनल फ़ूड ग्रोअर्स होते हैं ये बेसिकली सबसे पहले सनलाइट को यूज़ करके और सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करके खाना बनाते हैं लेकिन इनको कंज्यूम कर लेता है हरबी एनिमल्स जो हमारे पास प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं हरवी बोरोस एनिमल्स को कंज्यूम कर लेते हैं कार्नीबोरस एनिमल्स एंड कार्निबोरस एनिमल्स कंज्यूम कर लेते हैं टॉप कार्निवरस एनिमल्स तो जो एनर्जी फ्लो है वो जैसे एक जो प्रोड्यूसर्स हैं उससे शुरू होती है और कंज्यूमर्स तक चली जाती है और फाइनल कंज्यूमर तक चली जाती है इस पूरे प्रोसेस को हम एनर्जी फ्लो की कैटेगरी में डालते हैं और हम डेफ़िनेटली उसके बाद पिरामिड्स डेवलप करते हैं डिफरेंट डिफरेंट्स टू तो अंडरस्टैंड एंड एनालाइज कि ये पूरी एनर्जी फ्लो कैसे जो है वो जा रही है ऐसे पिरामिड्स को इकोलॉजिकल पिरामिड्स की कैटेगरी में डाला जाता है और ये जो पूरा सिस्टम होता है कि प्रोड्यूसर टू यू नो कंज़्यूमर टू टॉप कंज्यूमर तो इसको हम फूड चेन बोलते हैं और फूड चेंज डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं मेजरली अगर हम बात करें तो दो टाइप की फूड चेंज होती हैं डेटेटस और ग्रेजिंग विल कम टू दैट लेटर ऑन बट अगर आप देखो तो इस इसको अंडरस्टैंड करते हैं तो सबसे पहले प्रोड्यूसर आ जाता है और प्रोड्यूसर से फिर फाइनली प्राइमरी कंज्यूमर आ जाता है और प्राइमरी कंज्यूमर से फिर सेकेंडरी कंज्यूमर आ जाता है तो फाइनली ऐसे करके एनर्जी जो है ऊपर फ़्लो होती है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल नेचुरलिस्ट बोलते हैं उसको बोलते हैं टेन रूल टेन रूल का मतलब है कि जितनी एनर्जी प्रोड्यूसर्स ने की उसमें से 90 परसेंट वो अपनी खुद रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन और वो सारी चीज़ों के लिए यूज़ करेगा और सिर्फ 10 परसेंट एनर्जी ही ऊपर भेजेगा ये भी अपनी 90 परसेंट अपने लिए यूज़ करेगा और 10 परसेंट ऊपर के लिए भेजेगा ऐसे करते करते 10 परसेंट एनर्जी ही एक एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक ट्रांसफ़र होती है इसी वजह इस से इससे ऊपर ट्रॉफिक लेवल से ऊपर कुछ नहीं होता मतलब इवन फोर चार पांच स्टेजेस के अंदर ही हमारा सारा फूड चेन ख़त्म हो जाता है फिफ्थ सिक्स स्टेज नहीं आते बिकॉज इतनी एनर्जी नहीं रहती कि वो ट्रांसफ़र की जा सके तो जैसे इसमें देखा एनर्जी फ्लो थ्रू द सिस्टम और आपने यहाँ पर भी देखो तो प्रोड्यूसर्स ने क्या किया टेन किलो कैलरीज़ जो है वो आ, जो है बनाई लेकिन 10,000 किलो कैलोरीज़ से जो प्राइमरी कंज्यूमर ने ली वो कितनी ली 1,000 किलो कैलोरीज़ यानी कि 10% परसेंट ही ट्रांसफ़र हुई उसके बाद इसका 100 हो गया यानी कि सिर्फ 10% परसेंट ही ट्रांसफ़र हुई बाकी सब हीट लॉस की वजह से जा रहा है और फाइनली ये सिर्फ टेन किलो कैलरीज ही ले रही है तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते टेन रूल सो आई होप आपको ये चीज़ जो है वो समझ में आ गई होगी और जैसे मैंने आपको बताया कि फ़ूड चैन दो टाइप की होती हैं एक फूड चेन तो होती है ग्रेजिंग फूड चेन और एक होती है हमारे पास डेटेटस फूड चेन जो ग्रेजिंग फूड चेन है वो बेसिक फूड चेन है जिसके अंदर जो सबसे पहले हमारा प्लांट आ जाता है प्लांट को खाने वाले हर्बी बोरस एनिमल्स आ जाते हैं और हर्बी बोस एनिमल्स को खाने वाले हमारे पास ओमनीवोरस या एनिमल्स आ जाते हैं ये भी हो सकता है कि ये थ्री लिंक्ड फूड चेन हो ये भी हो सकता है कि चार उसके अंदर जो है एनिमल्स हों ये भी हो सकता है कि उसके अंदर पाँच एनिमल्स हों या पांच इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हों तो तीन में जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने देखा और ग्रेजिंग फूड चेन में जैसे कैरेट्स हो गए उसको रैबिट ने ले लिया फिर फॉक्स ने ले लिया फिर फॉक्स को लाइन ने खा गया उसी हिसाब से फाइव लिंक भी फूड चेन एग्जिस्ट कर सकती है ग्रेजिंग फूड चेन हमेशा स्टार्ट होती है विद प्रोड्यूसर्स और फाइनली जो है उसको एंड कंज्यूमर जो है उसको कंज्यूम कर लेता है ऑन दी अदर हैंड जो सेकेंड टाइप ऑफ फूड चेन होती है उसको डेट्रेटस फूड चेन बोलते हैं क्योंकि देखो यार है ना ये भी तो मरेगा ही है ना ये भी तो मरेगा ही तो फाइनली जब ये मरेगा तो क्या होगा इसकी जो बॉडी होगी डिकम्पोजर उसकी बॉडी को कंज्यूम करेंगे और फाइनली उसमें से वो जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो रिलीज़ कर देंगे इन द सॉइल और उससे क्या होगा डेफिनेटली दोबारा से ग्रास ग्रो होनी शुरू हो जाएगी ऐसी फूड चेन जो बेसिकली डिकम्पोजिशन से स्टार्ट होती है उसको हम डेटेटस फूड चेन बोलते हैं सो डी डेड लीव्स को ख़त्म कर देंगे कौन डीकम्पोजर्स एंड डिकम्पोजर्स को दोबारा से ब्लैक बर्ड शुरू कर देगी तो so, ऐसे निकालो कि दोनों इंटरकनेक्टेड है तो so, जैसे ये जब इसकी डेथ होगी तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है इसको ये ना कोई ना कोई डीकम्पोजर कंज्यूम कर लेगा वो डिकम्पोजर्स न्यूट्रिएंट्स दे देगा और उन न्यूट्रिएंट्स से दोबारा से प्लांट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे तो so, ये दोनों फूड चेन्स जो हैं इंटीग्रेटेड हो जाती हैं तो फाइनली बिगनिंग इज द एंड और एंड इज़ द बिगनिंग दैट इज़ द बेसिक आइडिया अब पिरामिड्स ऑफ एनर्जी की हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे नीचे से ऊपर तक जाते हैं तो ही बात है देर इज़ ऑलवेज द यू नो डिक्लाइन ऑफ द परसेंटेज इन द कैलरीज तो अगर हम इधर फोकस करें तो तीन टाइप के हमारे पास पिरामिड आते हैं सबसे पहला एनर्जी का पिरामिड आता है उसके बाद बायोमास का पिरामिड आता है और फाइनली हमारे पास नंबर्स का पिरामिड आता है अगर हम एनर्जी के पिरामिड की बात करें तो एनर्जी का पिरामिड जैसे मैंने आपको बताया कि एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी ट्रांसफर इट कैन ओनली बी यू नो नॉट नॉट बी डिस्ट्रॉयड कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन स्पीशीज़ टू अनदर लेकिन उसमें कुछ ना कुछ लॉस हो जाएगा और वो लॉस होगा वो टेन नाइन्टी परसेंट का होगा और बाकी सिर्फ ट्रां टेन परसेंट ही ट्रांसफ़र की जाती है तो ऐसे देख ही लियो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हंड्रेड परसेंट है फिर प्राइमरी कंज्यूमर टेन परसेंट है सेकेंडरी कंज्यूमर वन परसेंट और फाइनली थर्ड लेवल कंज्यूमर तो बिल्कुल ही कम एनर्जी चली जाती है इस पिरामिड को हम पिरामिड ऑफ एनर्जी बोलते हैं और अवेलेबल एनर्जी डिक्रीज़ होती जा रही है एज़ वी आर मूविंग अप द फूड चेन सिमिलरली अगर हम बात करें पिरामिड ऑफ बायोमास तो इसमें हम एनर्जी नहीं देखते हम देखते हैं कि उसमें कितना बायोमास है पर यूनिट एरिया तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जैसे कैल्प फॉरेस्ट है तो इसका 809 हंड्रेड नाइन ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर है यानी कि उसके अंदर कितना बायो मटीरियल है लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो क्या हो रहा है बायोमास पर जो एरिया है वो खत्म कम होता जा रहा है फॉर एग्जांपल इसको प्राइमरी कंज्यूमर 37 सेवन ग्राम्स और सेकेंडरी कंज्यूमर 11 ग्राम्स एंड फाइनली थर्ड लेवल कंज्यूमर एक यूनिट एरिया के अंदर बहुत ही कम बायोमास लेके जा रहे हैं तो बायोमास का भी पिरामिड डिक्लाइन होता जा रहा है थर्ड आता है नंबर्स का पिरामिड उसमें हम देखते हैं कि बिल्कुल बेसिक लेवल के ऊपर कितने प्रोड्यूसर्स हैं उसके बाद प्रोड्यूसर्स कम होते जाते हैं तो जैसे अगर हम बात करें प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ये वन लाख फिफ्टी थाउजेंड के अराउंड हैं जैसे छोटे छोटे अमरबाज़ एलगी हो गए ये सारी चीज़ें हो गई लेकिन धीरे धीरे करके इनको खाने वालों का नंबर कम होता जा रहा है इसको हम बोलते हैं पिरामिड ऑफ नंबर्स ये सारे पिरामिड्स अगर देखें तो अपराइट पिरामिड हैं अपराइट का मतलब है कि बेसिकली ये पिरामिड्स क्या हैं जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं कम होते जा रहे हैं मतलब नीचे वाले की क्वांटिटी ज़्यादा है ऊपर वाले की क्वांटिटी कम है लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पिरामिड अपराइट हो कई बार पिरामिड इन्वर्टेड भी हो सकता है इन्वर्टेड का मतलब है कि नीचे वाले की क्वान्टिटी कम हो एंड जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वो बढ़ते जाएंगे देखिए एनर्जी का पिरामिड कभी भी जो है वो इन्वर्टेड नहीं होता लेकिन डेफिनेटली हमारा बायोमास का पिरामिड और हमारा नंबर्स का पिरामिड डेफिनेटली इन्वर्टेड हो सकता है जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिख रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बायोमास की बात करें तो बायोमास का पिरामिड कैसे इन्वर्टेड होगा ये तो अपराइट पिरामिड है लेकिन यहाँ पे अगर पर यूनिट ग्राम एरिया देखें तो ये कम होता जा रहा है बढ़ मतलब जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं बढ़ता जा रहा है तो यहाँ पे एक स्क्वायर एरिया के अंदर सिर्फ चार ग्राम ही आया है लेकिन यहाँ पे पर स्क्वायर एरिया के अंदर बारह ग्राम बायोमास आ गया तो बायोमास बढ़ गया है एज वी आर गोइंग अप द फूड चेन तो इसको हम बोलते हैं अपराइट पिरामिड तो आई होप ये सेशन भी आपको अच्छा लगा हो अबाउट द एनर्जी फ्लो एंड ये सेशन वॉज ब्रॉट टू यू बाय आर एसटी इंस्टीट्यूट और अगर आपको ये पसंद आया हो तो मैं एक छोटा सा आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और वहाँ पे एक सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर आप क्लिक कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आए तो आपको पता हो कि यार ये वीडियो हमारे पास आई है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको कैसा लग रहा है थैंक यू एवरीबडी टेक केयर